गिल्ज मैटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सबका हम फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विद्वान बंधुओं, जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप ज़रूर इस पोस्ट को शेयर कर दें, ताकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज या कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी लोग SBI क्लरिकल पेपर की तैयारी कर रहे थे, आप सबको झटका नहीं कहूँगा, आप सबके लिए अच्छा मौका कहूँगा कि SBI क्लरिकल की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। प्यारे बच्चों, तैयारी करने का और भी अच्छा मौका मिल गया है। कहीं ना कहीं जो बच्चे कोचिंग सेंटर में जा रहे थे, मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर ये पॉइंट उठाऊँगा कि हमारे इंडिया के अंदर मार्च से शुरू हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशंस, मार्च अप्रैल मई के अंदर, ठीक है, इवन कि जून तक चलते हैं। जो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री करते हैं, या तो उन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि आपके लिए डेट बढ़ चुकी है, आपको तैयारी करने का थोड़ा मौका मिल गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, KVS का LDC पेपर जो अभी 19 फेब से लेकर 26 के बीच में कंडक्ट हुआ है, उसकी आंसर की के संबंधित। तीसरा पॉइंट हम उठाएंगे कि SSC CGL के संबंधित क्या कुछ नया, बहुत कुछ हो रहा है कि प्यारे बच्चों बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अंधाधुंध आँख बंद करके तैयारी करने में लगे हुए हैं, आपको नहीं पता कि क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ नया हो सकता है। तो इन तीन चार चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप सब लोग अपनी अटेंडेंस कर दें, शेयर कर दें। आपकी जो एक अंगूठा दबाने से पता नहीं कितने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2018 के संबंधित जो हमारा टारगेट है, उसके संबंधित आप तक हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो है, नई अपडेट लेके आते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए एक बेशकीमती सफल होने की कहानी के बीच में अगर इन एक लाइन को अगर आप जमा लेंगे, तो शायद तक आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी सुधर सकती है। ज़िंदगी में हर एक गलती अपनी कीमत मांगती है, और आप कभी पूरी नहीं कर सकते, ये नोट रखना, कभी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मिस्टेक मत करना, ये चीज़ सोच के चलना, ठीक है। तो सबसे पहला था कि SBI क्लरिकल पेपर की डेट पोस्टपोन हो चुकी है, KVS पेपर पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपके पास क्या करना है, देखो डेट एक्सटेंड हो चुकी है, हम आगे लीगल नोटिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, क्विट मत करिए, छोड़िए मत, होप मत छोड़िए, लगातार पढ़ते रहिए। अगर आप पर डे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप 4 घंटे ही पढ़ें। अगर आप कहीं ना कहीं आपका अगर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो आप 3 घंटे कर लें, लेकिन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप ये बात कहीं ना कहीं हर चीज़ को मानना पड़ेगा कि अगर आज, यानी मैं मानूं कि 100 बच्चे ले लूं, उनमें से 70% बच्चों की अगर 50% प्रिपरेशन है, तो जब वो आगे जब डेट बढ़ी हुई 2-3 महीनों का बीच में गैप मिल गया आपको, तो वो बच्चे 70 से अब ऑब्वियस बात है कि 80% में जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आप सबको, और 2-3 एग्जामिनेशन से एक साथ इकट्ठे हो गए थे, तो ये बच्चों को सबको बढ़िया मौका मिल गया है। इस बीच में मैं बताने की ये भी कोशिश करूँगा आपको कि KVS LDC पेपर जो 19 फेब से शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, तो उसकी आंसर की आपको 1 मार्च को मिल जाएगी। अगर आपको ऑब्जेक्शन है किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप अपना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसके बीच में SSC, मैंने अभी बात की है कि SSC जो CGL के अंदर बहुत बड़ा कुछ स्कैम वगैरह होने की बात बार बार आ रही है, कि बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे थे वो एग्ज़ाम लीक हो रहा है। तो मैं आप सबको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी कंसर्न सबके लिए है, कि अगर मैं मान लो घर पे बैठा या किसी कोचिंग में 25-30 हज़ार रुपये देकर अपना बेशकीमती समय लगाकर तैयारी आप कर रहे हैं या कर रही है, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि लोग कुछ हैं जो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए देकर अपना सिलेक्शन ईजिली करवा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम था। तो ये उजागर हो चुका है, और बच्चों ने यानी SSC के अगेंस्ट 27 फेब से दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रखा है, और SSC कमीशन है जो, वो उन्होंने इस बात को माना है कि आप हमें प्रूफ दीजिए लीगल तौर पर, क्योंकि आजकल टेक्निकल सिस्टम है और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के अंदर ऑब्वियस बात है कि बहुत इजी हो गया है नकल वगैरह, चीट वगैरह होना। तो SSC पे बार बार ये उंगली उठती है, इवन कि IBPS पे या UPSC एग्जामिनेशन पर नहीं उठती। तो इसके संबंधित आप सब जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसके संबंधित लीगल तौर पर SSC के साइट पर आप ज़रूर समय समय पर जाते रहें और नोटिफिकेशन देखते रहें। हो सकता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसका पैटर्न आगे चेंज हो सकता है 2018 की वैकेंसीज़ में, ठीक है। तो हम लीगल तौर पर सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों, SBI डेट भी क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपको 2 पॉइंट बताऊँगा, और KVS पे मुख्य पॉइंट पर बात करेंगे। तो हम चलते हैं उन पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि लीगल नोटिस जो आज 28 फेब को आया है,
वो ये है कि अभी जो आपकी डाउनलोड कॉल लेटर की डेट थी, जो इवन की जो आपको डेट दी गई थी, वो टेंटेटिव आपका प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन था, वो मार्च में होना था। और इवन कि आपको पता होगा कि लीगल जब नोटिफिकेशन आया था तो ये मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशंस हेल्ड होने की बात थी, ठीक है। लेकिन ये डेट अब आगे बढ़ा दी गई है, आपको रिवाइज़ कर दिया गया है। तो ये डेट यानी आपकी क्या होगी, देखो डेट ऑफ प्रीलियम्स एग्जामिनेशंस की जून और जुलाई के अंदर होगी। एक्सपेक्टेड उन्होंने डाला है कि 6/6/2018 यानी 6 जून को डाला है, ठीक है। कॉल लेटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन यानी कॉल लेटर हैं जो आपको मिल जाएंगे 23rd जुलाई को, और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका इसके अंदर हो जाएगा, जुलाई के अंदर। जो प्यारे बच्चों बात करते हैं हम लोग मेंस एग्जामिनेशंस की, वो आपको अगस्त में होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी खुशखबरी है, तैयारी करने का मौका मिल गया है। अब आपको क्या करें क्या नहीं करें, प्यारे बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोचिंग सेंटर से, कंटिन्यू करते रहें, ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उस सिलेक्शन के काबिल बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रखें इवनिंग टाइम जैसा भी आपको समय मिलता है, क्योंकि आपको पता है भी लोगों के दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी है कि पर जो सेक्शन आपका इंग्लिश के लिए 20 मिनट डाल दिया है। पहले क्या करते थे बच्चे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते थे वो सिर्फ 10 मिनट या मोर देन 7 मिनट इंग्लिश के सेक्शन में लगाते थे। अब आपको 20 मिनट तक इंग्लिश के सेक्शन में रुकना पड़ेगा, चाहे आप उसको 10 मिनट में कर लें, चाहे आप उसको 5 मिनट में कर लें, चाहे आप 20 मिनट में करें, ठीक है। तो उन 20 क्वेश्चंस या 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, चाहे 20 मार्क्स लेके आएँ चाहे 30 करें, आप डिपेंड करता है। अब वही जो मैथमेटिक्स के लिए है 35 के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे और रीजनिंग के लिए भी मिलेंगे। तो मोर देन मैं मान सकता हूँ कि 30 तक आप कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अटैम्प्ट हो सकते हैं अगर आप अच्छी स्पीड बना सकते हैं। तो ये टेस्ट लगाने से स्पीड का बेनिफिट इंग्लिश में नहीं होगा, परंतु ये आपको मैथ्स और रीजनिंग में ज़रूर होगा। तो ये ज़रूर आप करते रहें जिन बच्चों को 2018 में SBI क्लरिकल के अंदर जाना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर की बात कर रहे थे उसका जो लीगल नोटिफिकेशन आंसर्स की का आया है, हम उस पर भी थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय की बात करूँ तो ये जो KVS संगठन का जो LDC पेपर अभी फैब के अंदर हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उसके संबंधित डेट आज इनकी जो नोटिफिकेशन आया है 29th से लेकर 23rd फैब, ठीक है, एंड 26 फरवरी तक यानी एग्जामिनेशंस जो हुए थे ऑनलाइन, उसके संबंधित अगर आपको बता दूं इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। कंप्लीट 100 क्वेश्चन जिसने किए हैं, श्योर रहें कि आप पॉजिटिव रहें, आपको हो सकता है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो यानी ये जो इन्होंने डाला है कि मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एफर्ट्स एंड रिक्रूटमेंट हेयर बाई इन्फॉर्म दैट द क्वेश्चंस पेपर अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्स एंड आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन पोर्टल 1 मार्च 2018, यानी पोर्टल पर डाल दी जाएगी। इन केस एनी क्वारी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट क्वेश्चन एंड आंसर रिस्पॉन्स, कैंडिडेट मे फाइल देयर ऑब्जेक्शन टू क्वेश्चंस आंसर्स थ्रू ऑनलाइन लिंक सेंड टू बी कैंडिडेट बाई यूजिंग द एक्साइटिंग लॉगिन। यानी आपको वही जैसे SSC के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं किसी क्वेश्चन पे, उसी तरीके से आपको लिंक मिलेगा। और ये वेबसाइट है kvssangathan.nic.in पे आपको जाना होगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 60 अभव आते हैं, 60 अभव इट मीन्स कि अगर आपके 60 मार्क्स से अभव आते हैं, तो ये चीज़ श्योर रहें कि आपको टाइपिंग के लिए तैयार रहना है, टाइपिंग के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही रिजल्ट इसका पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद में 15 डेज़ बाद में रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन उठाने की जो आपको टाइम पीरियड है वो 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में रहेगा। अपनी ऑब्जेक्शन फाइल आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर होगा, क्लियर। उसके बाद में उन्होंने कहा कि दे विल नॉट हैव एनी राइट फॉर एनी फ्यूचर लीगल क्लेम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी आपको क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप इस बीच में अपने आंसर की पे डाउट है, तो अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर सके आप, ठीक है, तो उसके बाद में आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ऐसा था कि जो इंग्लिश में कुछ और था और हिंदी में कुछ और था, मे बी वो क्वेश्चन मेरे पूरी तरह से याद नहीं है। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन पे हो सकता है कि किसी के अलग हो। मैं 20 तारीख की बात करूँगा, 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट की कुछ ऐसी बात थी प्यारे बच्चों, जिसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का
जो कुछ अलग तरीके से दे रखा था उन्होंने, हिंदी में कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज, इवन कि पूरी क्वेश्चन जो चेंज था, और हिंदी वाले क्वेश्चन का भी आंसर ना आ रहा था और इंग्लिश वाले का भी आंसर आ रहा था। तो वो 20 तारीख सेकंड शिफ्ट का मैथमेटिक्स क्वेश्चन देख लेना प्यारे बच्चों, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप, ठीक है। इसके बाद में आपको रिजल्ट मैंने बता दिया, बहुत जल्दी आने की संभावनाएँ हैं और आप तैयारी रखें। और प्यारे बच्चों एसएससी के संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना मैंने बता दिया, साइट पर देखते रहें। और वैसे सीएचएसएल के आपको डाल दिया गया है, जो डेट डाली है उसी पे एग्ज़ाम होंगे अपकमिंग 2018, जो एसएससी का जो भी संबंधित होगा वो आपको नई जानकारी उसके संबंधित हम देते रहेंगे। तो तैयारी करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, कंटिन्यू शेयर करते रहें, आपका साथ सबका साथ, सबके साथ के साथ ही आगे बढ़ेंगे। टारगेट 2018 गवर्नमेंट जॉब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।